एडिक्शन है एक, और एक चीज़ जो प्रायोरिटी हम बोलते हैं कि कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें से कुछ चीज़ को हम हमारी प्रायोरिटी बोल के बाकी चीज़ को हटा के वही काम कर रहे हैं बार बार। वो प्रायोरिटी मेरे लिए पिछले कुछ सालों से चेंज नहीं हुआ है। अब ये मेरा एडिक्शन है या वही मेरी प्रायोरिटी है, कोई भी नाम दे लीजिए, वहाँ पर आपको अपने लिए कुछ मीठा दिखता है। अहम कोई बड़ा विद्वान महापुरुष तो होता नहीं, कि जब उसकी बात करें तो हम पता करें कि हम उसकी वरीयता की बात कर रहे हैं, उसके धर्म की बात कर रहे हैं, उसके कर्तव्य की बात कर रहे हैं। ये ऊंचे शब्द हैं और ये ऊंचे शब्द ऊंची इकाइयों पर ही शोभा देते हैं। अहम तो करीब करीब प्राकृतिक होता है। प्रकृति में बहुत कुछ है जो किसी न किसी दिशा में भागता दिखाई देता है। अब रात का समय है, ये रोशनियां हैं, इनकी ओर कुछ कीड़े मकौड़े पतंगे आएंगे, कुछ मीठा रखा होगा तो उसकी ओर मक्खी वगैरह आएंगे। अब आप मुझसे पूछेंगी कि वो प्रकाश की ओर भागना पतंगे का एडिक्शन है कि प्रायोरिटी है कि विवेक है कि धर्म है कि कर्तव्य है, तो मैं क्या बोलूँगा? कुछ नहीं है। पतंगे के ऊपर ये सब शब्द लागू भी होते हैं क्या? धर्म, कर्तव्य, विवेक, वरीयता। वरीयता शब्द उनके लिए प्रासंगिक है जिन्हें वर्ण करना आता हो ना। वर माने जानते हैं क्या होता है? वर माने श्रेष्ठ। वर माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ क्या है ये निर्धारित करने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास कोई पैमाना होना चाहिए, मूल्यांकन के लिए कोई कसौटी होनी चाहिए। और कसौटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मूल्यांकन यदि कर लिया तो चुने हुए मूल्य पर चलने की आजादी होनी चाहिए, एक आंतरिक मुक्ति होनी चाहिए कि जो पता चल गया कि मूल्यवान है अब उसी पर चलूंगा। अगर कोई ऐसा हो जो मूल्यांकन कर ही ना सकता हो विविध विकल्पों का, और अगर कोई ऐसा हो जो मूल्यांकन कर भी ले अपने तमाम विकल्पों का लेकिन फिर भी मजबूर हो किसी एक विकल्प पर ही चलने को, तो उसके साथ हम क्या बोलें कि वरीयता है कि विवेक है कि क्या है? सीधे सीधे फिर हम कहेंगे कि ये तो उसके शरीर की मजबूरी है। गुड़ की ओर जाना क्या है? मक्खी के शरीर की मजबूरी। क्या बोलें कि प्रायोरिटी है? ये सब शब्द, मैं फिर कह रहा हूं, उस माहौल में प्रासंगिक हो जाते हैं, प्रायोरिटी, वरीयता, जहां पर कम से कम भीतर थोड़ी तो आंतरिक आजादी हो किसी रास्ते को हां और किसी रास्ते को ना कहने की। पतंगे के पास ये आजादी, ये विकल्प है क्या कि वो प्रकाश को हां या ना कह दे? वो तो बंधा हुआ है। तो पतंगा क्यों जा रहा है प्रकाश की ओर? वो ऐसा ही है, उसके शरीर में रसायन बैठे हैं जो उसे प्रकाश की ओर खींचते हैं, बात खत्म। अधिकांशतः हम भी अपना जीवन ऐसे ही जीते हैं। तो अगर आप उसमें बहुत गहरा विश्लेषण करने लग जाएंगी कि मैं कोई चुनाव क्यों करती हूं, मैं किसी दिशा में क्यों खींची चली जाती हूं, तो उस गहराई में आपको कुछ मिलना नहीं है।
गहरी चीज़ों की गहराई होती है ना, जहाँ गहराई है ही नहीं वहाँ गहरा विश्लेषण, कौन सा अपूर्व सत्य आपको उद्घाटित कर देगा? कुछ नहीं मिलेगा। गहरा विश्लेषण करके मुझे बताइए, मच्छर मेरा खून क्यों चूसता है? बताइए, बात खत्म। इतना कह दिया और बात खत्म हो गई वहीं पर। और आगे विश्लेषण करेंगे कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि कोई गहराई है ही नहीं। हाँ, भक्त भगवान की तरफ क्यों खिंचा चला जाता है? वहां गहराई है, वहां विश्लेषण करेंगी तो हीरे मोती मिल जाएंगे। भक्त भगवान की ओर खींचता है, पतंगा प्रकाश की ओर खींचता है। खिंचाव दोनों ही स्थितियों में है, दोनों ही आकर्षित हो रहे हैं किसी दिशा में। पर दोनों में से एक ही है जिसके आकर्षण में गहराई है, दूसरे के आकर्षण में क्या है? कुछ नहीं। हाँ, हम चाहें तो जहां कुछ नहीं है वहां भी बड़े बड़े काल्पनिक महल खड़े कर सकते हैं, स्थिति को रोमांटिसाइज कर सकते हैं। ऐसा फिल्मों में होता है। पुरुष स्त्री की ओर खींचा चला जाता है, फिर कहता है तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, हमारा कुछ जन्म जन्म का साथ है। क्यों जबरदस्ती गहराई देने की कोशिश कर रहे हो बात को? न कोई पहले का नाता है, न कोई जन्म जन्म का साथ है, न कोई हृदय की, न कोई आत्मा की बात है। रोशनी की ओर खींचेगा, पतंगे की जात है। क्यों वहां वो देख रहे हो जो वहां है ही नहीं? माया दो काम कराती है, जो होता है उसे छुपाती है और जो नहीं है वो दिखा देती है। और ये बात अहम को जरा चोट पहुंचाती है कि अरे, मैं इतनी त्वरा से, इतनी आतुरता से खिंचा चला जा रहा हूं किसी दिशा में, और फिर ले देकर पता क्या चलता है कि वो बात है सिर्फ मक्खी मच्छर पतंगे की। बड़ा बुरा लगता है, और खास तौर पर बुरा तब लगे अगर उस आकर्षण में हमने जीवन के बहुत वर्षों का निवेश कर दिया हो, समय धन संसाधन सब लगा दिए हों, एक महल ही खड़ा कर दिया हो, पूरा घरौंदा घर परिवार, तब तो बात सुनने में भी बड़ी कसैली कि अपना खून दिया है, अपने जीवन का रस दिया है, इतने यत्न से ये घरौंदा खड़ा किया है, और अब हमें बताया जा रहा है कि ये सब मक्खी मच्छर पतंगे का खेल है। बात सुनने में ही अपमानजनक लगती है ना, तो हम सुनना नहीं चाहते। पर आप लोग हिम्मती लोग हैं, आप सुनेंगे, है ना? क्यों गंगेश?
हिम्मती है ना, नहीं होते हिम्मती तो मेरे सामने थोड़ी बैठने आते, और बहुत कुछ है करने को दुनिया में। एक चुटकुला चलता है, चूजा सड़क पार क्यों गया, Why did the chicken cross the road? अब जिसकी जैसी विचारधारा, जिसके मन की जैसी जटिलता, जिसके जैसे संस्कार, वो उसी अनुसार इस बात का जवाब देने लग जाता है। अब बात क्या है, मसले में गहराई कितनी है? चूजा सड़क के इस पार से उस पार क्यों गया? हाँ जी, सीमा लांग थी। आपने भी चूजे के साथ ऐसी बात जोड़ दी जिसका चूजे को ही कुछ पता नहीं। चूजे के लिए कौन सी सीमाएं? चूजा इधर से उधर क्यों गया, क्यों गया? बात इतनी सीधी है कि आप फंस जा रहे हैं, क्योंकि आप दिमाग लगा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कुछ बुद्धि का मसला होगा, कोई गहरा इरादा होगा, कोई लंबी बात होगी, तो आप बड़ा विचार कर रहे हैं। आप कहेंगे आचार्य जी जरा तात्विक प्रकाश डालें, कुछ मर्म चर्चा हो, व्हाई डिड द चिकन क्रॉस द रोड? पर बात क्या है, यूं ही कोई बात ही नहीं है। हो सकता उधर दूसरा चूजा दिख गया हो, हो सकता है जहां खड़ा था वहां धूप थोड़ी ज्यादा हो सकता है लहर उठी हो, टहलने का मन आ गया हो, यूं ही हवा का झोंका, और हम उस पर बहुत सारे कारण आरोपित कर रहे हैं। कारण है ही नहीं, पर अगर आप किसी धर्म विशेष से ताल्लुक रखते हैं और आपने मान्यता बना ली है कि चूजा सड़क पार करके इसलिए गया क्योंकि सड़क के उस तरफ मंदिर था, मस्जिद थी या चर्च था, तो बड़ा बुरा लगेगा सुनना कि चूजा चर्च इत्यादि में नहीं गया था, चूजे ने तो सड़क यूं ही पार करी थी। हाँ, बाद में आपने कहानी बना ली कि चूजे का बड़ा पवित्र पावन इरादा था, धार्मिक चूजा था, सड़क के उस पार घंटियों की आवाज़ सुनी तो सड़क पार कर गया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। या हो सकता आप समाजवादी हों, सड़क के इस तरफ पूंजीपतियों के घर थे जिधर चूजा फंसा हुआ था, सड़क के उस पार झुग्गियां थी, झोपड़ियां थी, समाजवाद की पुकार थी, तो आपने कहानी बना ली कि चूजे तक समाजवाद की ओर आकर्षित होते हैं, चुनाव चिन्ह चूजा। अब आपको कोई बताया कि भाई चूजा समाजवादी नहीं था, वो तो यूं ही पार कर गया, चूजे हैं, चूजों का क्या, तो सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि चूजा अब हमारे लिए समाजवाद का बड़ा प्रतीक बन चुका है। छोटी छोटी घटनाओं में भी बड़े बड़े भेद होते हैं, पर तब जब उन घटनाओं
के पीछे जो करता है वो बहुत बड़ा हो। जैन कहानियां हैं, जिसमें शिष्य साधना में लगा हुआ है बरसों से, और फिर कई वर्षों की साधना के बाद वो गुरु के सामने आता है और गुरु से कहता है सब तरीके लगा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, निष्फल गया। और गुरु कहते हैं, और कहानी कहती है कि गुरु का इशारा, गुरु की उंगली मात्र देख करके शिष्य को संबोधि प्राप्त हो गई। यहां पर उस छोटी सी घटना में गहरा राज है, सचमुच है, क्योंकि उस घटना के केंद्र में जो व्यक्ति बैठा है वो गहरा है। वो गहरा है तो उसके इशारे भी गहरे हैं। समझ में आ रही बात? पर आपने कालिदास की कहानी भी सुनी है, विदुषी राजकुमारी के सामने उनको बैठाया गया और लोग चाहते थे कि राजकुमारी का गर्वभंग हो। राजकुमारी कहती थी कि जो मुझसे शास्त्रार्थ में जीत जाएगा उसी को पतिवर लूंगी, और लोग चाहते थे ईर्ष्यावश कि राजकुमारी का दंभ टूटे। तो कालिदास से कह दिया गया कि कुछ भी पूछें राजकुमारी, तुम कभी एक उंगली उठाना, कभी मुट्ठी दिखाना, कभी चार उंगली उठाना, तो राजकुमारी ने पूछा होगा कुछ यही कि द्वैत और अद्वैत में भेद समझाएं। कालिदास बोले और सभागार तालियों से गूंज उठा। लोगों ने कहा क्या गहरी बात करी है। गहरी बात हो नहीं सकती क्योंकि जो व्यक्ति है उसी में गहराई नहीं है। जैन कहानी में भी गुरु उंगली दिखाते हैं और कालिदास भी अपनी मूढ़ता की स्थिति में उंगली उठाते हैं। अंतर है ना? जब तक हम ये साफ साफ देखेंगे नहीं और मानेंगे नहीं, कि हम कुछ रहे ही नहीं हैं, वो सब जिसको हमने जीवन का सार समझा है, जीवन का रस, जीवन का अमृत, जीवन की ऊंचाइयां समझा है, वो है ही कुछ नहीं। वो ऐसे ही है जैसे कोई सूखा पत्ता हवा में डोले। स्थितियों की बात रही है, हवाओं की बात रही है, स्थितियों का प्रभाव पड़ा एक तरफ को उड़ गए, स्थितियों का प्रभाव पड़ा दूसरी तरफ को उड़ गए, और कभी स्थितियां ऐसी बनी कि एक ही जगह अटक कर भी रह गए। पत्ता उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, ये स्थितियों की बात है। और पत्ता किसी चट्टान के नीचे आ गया, अब वो वहां पर 300 वर्षों तक
अचल अडिग पड़ा रहेगा। ये भी तो स्थितियों की ही बात है। किसी एक जगह पर पत्ता जाकर के बैठ गया, स्थिर हो गया, इसका क्या ये मतलब है कि पत्ते ने आत्मिक अचलता प्राप्त कर ली है? बोलो, स्थिति की बात है। पत्थर उसके ऊपर पड़ गया, पत्ता जहां था वहीं अटक गया। न पड़ा होता पत्थर उसके ऊपर तो पत्ता अभी भी इधर उधर उड़ ही रहा होता। तो आप जब पूछते हो कि क्या है, एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, चॉइस है, डिस्क्रीशन है, तो मैं कहता हूं हवा है। जो भी अध्यात्म की गहराइयों में नहीं उतरा, उसका पूरा जीवन हवा में उड़ते पत्ते समान है। पत्ता कहीं भी पाया जा सकता है, कभी किसी के आंगन में, कभी हवाओं में, कभी सड़क पर, कभी मंदिर में, कभी मैखाने में। मैखाने में पत्ता पाया गया, इसका अर्थ ये नहीं कि उसे मैं से प्यार है। मंदिर में पाया गया, इसका अर्थ ये नहीं कि उसे मुक्ति चाहिए। और किसी ने इसे उठा करके अपने घर में रख दिया, उस पर रंग रोगन करके उसे घर में कहीं सजा दिया, और वो घर में ही बैठ गया और 3 दशकों से घर में ही बैठा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि उस घर से उसे कोई प्रेम है या आत्मीयता है। परिस्थिति की बात है। जब तक आप आत्मा में ही स्थापित नहीं हो जाते, तब तक आप हैं ही नहीं। आत्मा माने मैं। तब तक आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो बस संयोग और प्रकृति का खेल है। संयोग और प्रकृति, ये कहिए ही नहीं कि मैंने ऐसा करा। आपने ऐसा करा नहीं, आपके साथ ऐसा हुआ। ये कहना भी पूर्णतया उचित नहीं है कि आपके साथ ऐसा हुआ, बस कहिए ऐसा हुआ। आप तो अभी हैं ही नहीं, तो आपके साथ क्या होगा और कैसे होगा? आप तो उस दिन जन्म लेते हैं जिस दिन मन आत्मा में बैठ जाता है, तब आपको अधिकार मिलता है कि कहें मैं, वरना मैं कहां। कॉलेज के लड़कों से मैं पूछा करता था, सोडियम और क्लोरीन या सोडियम और पानी आपस में क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाए, तो क्या उन्हें ये कहने का हक है कि मुझे हाइड्रोक्सिल आयन पसंद था या मुझे सोडियम आयन पसंद था? मैं कहाँ है, कुछ हुआ है, करा किसी ने नहीं है। हुआ बहुत कुछ है, विस्फोट होगा पूरा। सोडियम और पानी को मिला दीजिए तो विस्फोट होगा पूरा। विस्फोट हुआ है, पर करने वाला कोई नहीं है। न सोडियम की आत्मा है, न पानी की आत्मा है। हाँ, प्रतिक्रिया तब भी हो रही है, धुआं उठेगा, आवाज होगी, आग लगेगी, पर करने वाला कोई नहीं है। हवाओं में उड़ते पत्ते हैं बस। अधिकांशतः हमारा जीवन ऐसे ही चलता है, और फिर प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया, पूरी श्रृंखला बनती जाती है। उस श्रृंखला को ही फिर हम कह देते हैं जीवन है हमारा। एक ऐसी श्रृंखला के साथ हम मैं शब्द जोड़ देते हैं जिसमें वास्तव में मैं कहीं है ही नहीं। मैं तो तब जब घटनाएं बोध के प्रकाश में घटी हूं। अपने जीवन की जिन घटनाओं की हम आमतौर पर चर्चा करते हैं या जिन्हें बहुत महत्व देते हैं, ईमानदारी से बताइएगा, क्या वो घटनाएं बोध के प्रकाश में घटी होती हैं या सिर्फ
हवा का भाव होता है, पत्ते पर हवा का भाव होता है, मनुष्य पर आंतरिक रासायनिक भाव होता है। भीतर कुछ रस बहे, भीतर कुछ केमिकल्स बहे, घटना घट गई। पत्ता हवा में उड़ता है, साफ दिखाई देता है कि पत्ते के पास मैं नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है। हाँ, मनुष्य भी एक आंतरिक संयोगिक प्राकृतिक बहाव के वशीभूत होकर बहुत कुछ करता है, लेकिन बोले चला जाता है मैं, मैंने किया, मेरा चुनाव, मेरी इच्छा, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरा प्रेम। हम हैं कहाँ जो हम पसंद या नापसंद करेंगे? शरीर का जन्म हुआ है, हम तो अभी सोए ही हुए हैं, खोए ही हुए हैं, हमारा जन्म हुआ कहाँ है? मजेदार बात भी है और अति दुखदाई भी कि अधिकांश लोगों का शरीर मर जाता है बिना उनके जन्मे। शरीर आया, शरीर चला गया, हम जन्मे ही नहीं। और अभी आगे की त्रासदी और भी सुनिए। बिना जन्मे ही हमने दुख खूब पा लिया। हम हैं नहीं पर दुख भोगने के लिए भरपूर हैं। मजेदार बात। हम हैं नहीं लेकिन बिना हुए भी ऐसे सूरमा हैं कि दुख भोग जा रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत होगी अगर हम सर्वप्रथम विनम्रता के साथ ये स्वीकारें कि अभी तक की अधिकांश यात्रा पत्ते और हवा की यात्रा रही है। एक बार ये स्वीकार लिया तो उसके बाद हवा के साथ उड़ना आवश्यक नहीं रह जाता है। उसके बाद कुछ नया होने की संभावना खुल जाती है। अगर आप यही कहते रहेंगे कि नहीं, हवा मुझे उड़ाकर नहीं लाई, मेरा निर्णय था हवा में उड़ने का, तो फिर तो आपके लिए अपना पुराना निर्णय गलत जानकर बदलना भी मुश्किल पड़ेगा। अगर आप यही कह रहे हैं कि आज तक मेरे साथ जो हुआ वो बस संयोगवश या प्रकृतिवश नहीं हुआ है, वो मेरा चुनाव था, तो फिर तो आपने अभी तक के अपने जीवन और निर्णयों के साथ तादात्म्य जोड़ लिया ना। जहां तादात्म्य जोड़ लिया वहां बदलाव बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने लिए चीजें आसान कर लीजिए, अपने आप को साफ बता दीजिए, जो हो रहा था अभी तक बेहोशी में हो रहा था, जो हो रहा था अभी तक सपने जैसा था, मैंने किया ही नहीं, ऐसा ही था जैसे कोई आदमी नींद में चलता चलता किसी के घर में घुस जाए, क्या वो मेहमान कहलाएगा, क्या वो चोर कहलाएगा, क्या वो कुछ भी कहलाएगा, वो बस बेहोश है। हम भी चलते चलते न जाने कैसी कैसी जगहों पर घुस गए, बेहोशी थी, उसको क्या महत्व देना। और जरूरी नहीं है कि चलते चलते आप किसी और के ही घर में घुस जाए। हम में से अधिकांश लोग चलते चलते अपने ही घर में घुस गए। बेहोशी में आप चलते चलते किसी घर में घुस जाएं और फिर कहने लग जाएं मेरा घर, तो अच्छी शुरुआत ये होगी कि आप जाने की ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रैन बसेरा। तुम जानते तो नहीं थे, तुमने चुना तो नहीं था, लहरें उठा लाई तुमको कहीं पटक दिया,
अब क्यों अपने आप को बंधनों और कर्तव्यों में बांधते हो? अभी तक जो हुआ है उससे कहीं ज्यादा सुंदर जीवन के अधिकारी हो तुम, हो कि नहीं हो? और वो सुंदर जीवन, वो मुक्त जीवन, वो प्रेमपूर्ण जीवन कैसे मिलेगा अगर पुराने से ही तादात्म्य करे रहोगे, अगर पुराने को ही वैधता देते रहोगे, अगर पुराने के साथ ही कहते रहोगे मैंने किया मेरा निर्णय, मैंने किया मेरा निर्णय, फिर नई शुरुआत कैसे होगी?